मैं अंदर कब से बैठी हुई हूँ, पर नहीं किसी को कोई मतलब नहीं है, कब से काम कर रही है वो जाके हेल्प करवा देने, पर नहीं इनको जाके कुछ कह भी तो नहीं सकते, अगर कह देंगे तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे और कहेंगे हमेशा कह दिया वैसा कह दिया, क्या करें। देखो जी लड़की की शादी है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती, कितना काम करना पड़ता है, पर नहीं इनको कोई मतलब भी नहीं है ना। इनके घर पे जब कोई फंक्शन शादी या काम पड़ता है ना तो सबसे पहले जाके खड़ी होती हूँ कि कहीं काम तो नहीं, ए टू जेड मैं सारा काम करती हूँ इनका घर पे, पर नहीं इनको कोई मतलब ही नहीं है ना कुछ भी हो। मैं यहाँ पे सुबह से लगी हुई हूँ पर किसको यहाँ के पूछ नहीं रहा है, दीदी कुछ चाहिए भाभी कुछ करना है, पर नहीं कोई नहीं आ रहा है और इनको कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, कह देंगे तो मुँह फुला के बैठ जाएंगे। देखो जी अपने घर वालों को समझा दो, और आप यहाँ बाहर बैठे हुए आपको कोई मतलब ही नहीं है ना अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, नहीं बाहर आके बैठ गए अंदर कुछ भी हो आपको मतलब ही नहीं है, अपने घर वालों को समझा दो। पहली बात हो जब से ये तब से लगे हुए हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया फलाना नहीं किया ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और उनको समझा दो ठीक हमारी बेटी की शादी है, घर में कितने काम होते हैं, हमें काम करना पड़ता है, कोई हेल्प तो करवा नहीं रहा, बस बातें बनानी होनी है तो आपके घर वालों से बनवा लो। नहीं मेरे मायके वाली आई है, सबसे वो चुपचाप बैठी है ना, जब से आई कह रही है दीदी कुछ काम करवा दे ये करवा दे वो करवा दे, और कह तो उनसे करवा भी तो नहीं सकती ना, मेहमान ना वो हमारी, हमारा उनकी खातिरदारी करना जरूरी है। आप ना अंदर आ जाओ और ना अपने घर वालों को समझा दो अच्छे से। नहीं मतलब कब से लगे हुए आप अंदर हो दिया। नमस्ते चाची जी खाना खा लिया आप सबने? हाँ वो अंदर तैयार हो रही है, हाँ बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ना लड़की की है ना बुआ जी है, पर देखो कहा क्या इज्जत है बुआ की, कोई इज्जत है हमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहे क्या करना है, पर नहीं किसी को कोई मतलब नहीं है, जो है ना खुद ही कर रहे है। बुआ जी की तो कोई इज्जत नहीं है इस घर में, मैं बुआ हूँ लड़की की, हाँ मैं बुआ हूँ इसकी ना, हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा भाई, अब हम है ही कौन जिसे कोई कुछ पूछे, हम तो बस नाम के बुआ है लड़की के, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम कहाँ है भूखे है प्यासे है कहाँ सो रहे है क्या पी रही है किसी को कोई मतलब नहीं है, हम हमारी इज्जत ही नहीं है इस घर में, खाने में क्या क्या बना ना ना हमें कुछ नहीं पता क्या बना, हमसे किसी ने पूछा थोड़ी ना खाना बनने से पहले, जो हमें पता हो हमें कुछ नहीं पता क्या बना, कोई पूछता ही नहीं हमसे, तो हम इस घर की बस नाम की बेटी है, जब से हम रहते थे पहले कितने हक से रहते थे, पर नहीं अभी तो कोई नया तो हमें गद्दे का पूछ रहा, आपको गद्दा मिला कि नहीं, कहाँ पे सो रहे हो, नीचे सो रहे हो कहाँ पे सो रहे हो, किसी ने नहीं पूछा, और कंबल कंबल तो हमें किसी ने पूछा ही नहीं कि आपको कंबल चाहिए, नहीं हमारे पास कंबल था हम कंबल के बिना सोए, कोई मतलब नहीं है इनको, हम आए क्यों हम तो ये समझ नहीं आ रहा, हमने तो सोचा एक तो इनका है ना नाम इनके लिए आए थे, पर नहीं इनको तो हम क्या करें इनका, मतलब हम आती है इनके लिए फिर हमें नया तो कोई कुछ हाल चाल पूछता नया हमें कुछ पूछता, हमारी इज्जत ही नहीं रखती है तो हम क्यों आए भाई क्यों आए, सब नाच रहे हैं पर नहीं इन्होंने एक बार भी कहा बुआ आ जाओ आप नाच लो, किसी ने मुझसे नहीं पूछा आ जाओ नाच लो, सब नाच रहे बुआ जी नहीं बुआ जी तो आता ही कहे ना इनका ना नहीं ये गंदे लगेंगे ना बुआ जी के साथ नाचते हुए है ना, किसी ने नहीं पूछा बुआ से, क्यों पूछेंगे भाई बुआ इनकी लगती कौन है जो ये हमसे पूछेंगे। माँ माँ इधर आई ये देखो चाची जी मैं लाई हूँ अपनी भतीजी के लिए, इसके अलावा एक सोने की चेन अंगूठी और पाँव में पहनने के लिए पायल भी लाई हूँ, हाँ सब कुछ लाई हूँ, देखो देखो लो देखो देखो आप सब भी देखो, माँ देखो मैं लेके आई हूँ ये सब देखो, हाँ खैर चाची जी आपको पता तो हमें सब पता है, हम तो अपनी भतीजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं इसलिए हम ये सब लेके आए हैं, पर हमें खैर हमें सब पता है कि हमें इसके बदले में सिर्फ 100-200 रुपये मिलेंगे, खैर कोई बात नहीं हम तो उसमें ही खुश है, पर हमने तो अपना फ़र्ज निभाया ना, मैंने अपने बुआ होने का फ़र्ज निभाया है, अब इनका मुझे नहीं पता मैं अपनी भतीजी से प्रेम करती थी इसलिए ये सब लेके आई हूँ, आइए आइए आप सब देखिए ये लेके आई हूँ मैं, हाँ ये देखिए, हाँ हमें पता है ना हमें कोई इज्जत करे या ना करे हम अपना फ़र्ज निभाते हैं, ये देखो आप सब देखो इनको भी दिखाओ इनको भी, हाँ कमर अटक गई है पर किसी ने कुछ नहीं कुछ हमें अभी तक किसी ने चाय नहीं पूछी, पानी पानी तक नहीं लेके आई मेरे पास अभी तक, कोई खाने का भी पूछ लेते कोई बुआ होने का इलाज तो रख लेते थोड़ा सा, आई क्या इनको अभी तक किसी ने खाने का नहीं पूछा, अभी तक भूखे है वो, ना ना
देख रही हूँ माँ क्या इज्जत है तुम्हारी यहाँ पे जवाई की, कोई इज्जत नहीं है। ना ना अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड और नहीं रुक सकती, जहा मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है वहां मैं एक सेकेंड भी नहीं रुकूंगी। मैं अभी जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। देख रही है ना पहले मैं यहाँ पे कितनी अक्से रहती थी, पर नहीं अब मैं यहाँ पे अब कभी नहीं आऊंगी। यहाँ पे जहाँ पे हमारा सामान ही नहीं है वहाँ पे हम क्यों आएंगे, अब तो कोई हमसे कोई पूछता भी नहीं है। माँ मैं जा रही हूँ। हाय बेटा। ओह माय गॉड, किसी की नजर ना लगे, बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा। मैंने ना पहले ही नजर उतार दिया, बाहर आऊँ ना तो बाहर चाची और बुआ बैठे हैं, ठीक है ना, तो मैंने पहले ही नजर उतार दी, बहुत मस्त लग रहे हो, बाहर आ जाओ अभी। जी चाची, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो ऐसे, मतलब दीदी कितने पूरे दिन काम करती है और आप फिर ऊपर उनके ऊपर डांटते हो उनको, ऐसे करोगे तो देख लेना हम दीदी को अपने साथ लेके चले जाएंगे, समझ लीजिएगा। दीदी अभी मैं बाहर से आ रही थी, तुम्हारी देवरानी बाहर से ना बैठी थी, तो मैंने पूछ लिया कि दीदी क्या हुआ ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो, तो बोलती है कुछ नहीं मोनू, वो क्या है ना मैं थक गई काम करते करते, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतना कितना काम करवाती हो दीदी आप अपनी देवरानी से, जो वो थक के बैठी गई है कुछ काम ही नहीं कर रही है। अरे ये क्या बेटा, अभी तक तूने इतनी मेहंदी लगवाई है, पूरी लगवा ले मेहंदी अच्छे से, ठीक है ना, यहाँ तक लगवा लेना और पाँव के भी लगवा लेना अच्छे से। और ये क्या तूने अभी तक मेकअप भी नहीं किया, बेटा अच्छे से मेकअप कर ले, ठीक है, और बहुत क्यूट लगनी चाहिए, मुझे नहीं पता बहुत अच्छी लगनी चाहिए, मेकअप कर ले अच्छे से, हाँ ठीक है ना, इनको कह दिया मैंने, इनको अच्छे से मेकअप कर देना इसका, ठीक है ना, कहीं पर भी कमी नहीं लगनी चाहिए हमारी प्यारी बच्ची में, सब कुछ एकदम परफेक्ट करना, ठीक है, हाँ मेकअप अच्छे से कर दोगे आप, ठीक है फिर, और मैं ना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, ठीक है ना, कोई आएगा नहीं, मतलब कोई आ भी जाएगा डिस्टर्ब नहीं होगी, तुम दरवाज़ा बंद कर दूंगी ना तो डिस्टर्ब नहीं होगा तुम्हें, और हाँ अगर कोई कहे ना दरवाज़ा खोलो तो कह देना अभी मैं रेडी हो रही हूँ थोड़ी देर बाद में आना, क्योंकि अभी यार तुम्हें बेटा अभी तुम तैयार होगी ना तो भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, फिर तुझे है ना फिर ऐसे अजीब सा लगेगा, इससे अच्छा मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। मैं कहा मुझे कहा डांस आता है, नहीं नहीं आप सब करो, चलो इतना कह ही रहे हो तो कर लेते हैं, क्या जाते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा ये स्टेप है, स्टेप है। कौन हम ना दुल्हन की मासी है, अच्छी लग रही है ना, मासी से लगी नहीं रही है ना, ऐसा लग रहा है ना हम दुल्हन की बहन है, छोटी है ना, छोटी नहीं थोड़ी बड़ी। दीदी इधर इधर, कुछ काम करना है क्या है? मतलब सब कुछ तुमने तैयारी कर तो दी है ना, नहीं इसका बैग और पैक और कर दिया ना तूने, सारे ड्रेसेज और अंदर रख दी ना, कल ससुराल जाएगी तो चाहिए होगी ना इसको, पूरा बैग पैक कर दिया अच्छे से, नहीं अगर कुछ काम है तो मुझे कह दे मैं कर देती हूँ उसका, नहीं उसके सैंडले और उसकी साड़ी और एक्स्ट्रा हाँ जो सारा सामान होता है वो पैक कर दिया ना सारा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, देख लो आप दीदी। नमस्ते पापी, नमस्ते, कुछ चाहिए तो बता देना, हम तो बैठे ही यहाँ पे, क्या कहते हो है, देखो जी पड़ोसी का काम होता है जरूरत के समय काम आना, तो हम तो बैठे ही है, कुछ चाहिए होगा तो हम तो भिजवा देंगे, ठीक है ना, कुछ चाहिए तो बता देना। अभी मैं ना भाभी के घर गई थी, उन्होंने एक बार भी नहीं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है उनके घर पे, पर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भाभी आ जाओ, आप भी आ जाओ हमारे घर पर, आप भी तैयारी करवा लो, एक बार भी नहीं पूछा, नहीं मतलब हम घर वाले नहीं है पर पड़ोसी तो है ना, जरूरत के समय घर वालों से ज्यादा काम आती है उनके, और आपको पता है लव मैरिज करी है, नहीं मतलब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार भी उन्होंने उस लड़के की जाति धर्म उसके बारे में बात नहीं की, कुछ बताते भी नहीं है, नहीं मतलब कुछ तो इतना मतलब सब कुछ इतना क्या करता होगा लड़का, क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं बता रहे, और इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, नहीं मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे तो कुछ है। चलो हमें उससे क्या, हमारा काम था उनसे पूछना कि आपको हमारी हेल्प चाहिए कि नहीं, अब उनको हमारी हेल्प चाहिए ही नहीं तो उसमें क्या कर सकते हैं हमें क्या, और शादी में 2 दिन और है, शादी 2 दिन बाद है, ठीक है, और अभी तक उन्होंने हमें नहीं कहा कि आपको आना है शादी में, ये वो कुछ नहीं कह रहे, इतने पराए हो गए हम अब उनके लिए। नमस्ते भाभी, क्या तैयारियां चल रही है? नहीं मतलब मैं अभी यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो पूछते हुए जाते हैं कि क्या तैयारियां चल रही है। हाँ हाँ हम सब शाम को आ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे, ठीक है।
नमस्ते भाभी नमस्ते। और अरे यहाँ वो मुन्नी का है ना, आज एग्जाम था तो वो नहीं आ पाई। नहीं नहीं उसकी आप टेंशन मत लो, बहुत टेंशन करती है भाभी, टेंशन मत लो। मैं ना लेके आई हूँ, मैं ले जाऊँगी इसको, उसका भूखा था नहीं रखूँगी, मैं लेके चली जाऊँगी इसमें, ठीक है? नहीं उसको उसको जितना खाना होगा ना उतना मैं भर के लेके चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। बहुत टेंशन लेती है भाभी। लड़की को देख रहे हो कितना मेकअप कर रखा है, नहीं और पीछे से ब्लाउज ब्लाउज भी खुला, आग लगी है इनकी फैशन की। मेरी लड़की तो है ना इतने छोटे कपड़े पहले ना वहीं से ना फेंक डालो, फिर नहीं हमारे बच्चे समझदार है, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, शादी के दिन ऐसा ब्लाउज कौन पहनता है। ढक के पहले हमारे टाइम में पूरा शरीर ढकते थे, अभी के टाइम पे देखो इनको महान, कोई कुछ कह भी नहीं रहा। नहीं हमें क्या, चलो हम तो इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा लिया अपने, क्या।